Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. Nowadays, we are discussing theories of motivation, in which I have already covered content theories of motivation. And today I am going to discuss a new theory under process theories of motivation, that is Vroom's expectancy theory of motivation. And the lecture will be in bilingual mode and will be useful too. Do subscribe my channel to get more videos of mine. Vroom's expectancy theory of motivation. Content theories हम लोगों ने पढ़ लिया. Process theories में आज पहली ये theory है. Content theory हमको बताती है what motivates an individual, और process theory बताती है how an individual motivates, मतलब processing बताती है motivation की. तो उसमें हमको Vroom की theory सबसे ज़्यादा important है, यही पढ़ेंगे इसमें हम. तो इन 1964 अ कैनेडियन प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी विक्टर व्रूम फ्रॉम द येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप दिस थ्योरी. किसने बनाया है? विक्टर व्रूम साहब ने. कहाँ के थे वो? कैनेडियन प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के और येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के थे. और थ्योरी कब दी गई? 1964 में दी गई. इन इट ही स्टडीड पीपल्स मोटिवेशन एंड कंक्लूडेड इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. इस थ्योरी में इन्होंने ये पाया कि जो व्यक्ति है, जो इम्प्लॉई है, उसका जो मोटिवेशन है वो तीन कारकों पर निर्भर करता है. एक्सपेक्टेंसी, वो क्या आशा रखता है. इंस्ट्रूमेंटेलिटी, वो विश्वास उसका कितना है. एंड बैलेंस, वैल्यू वो कितनी देता है. अभी पता चल जाएगा, ये तीनों फैक्टर आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. अब्राहम मैस्लो एंड फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग आल्सो रिसर्च द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स नीड्स एंड द एफर्ट दे मेक. इसके पहले मैस्लो की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, हर्ज़बर्ग की थ्योरी पढ़ चुके हैं. उन्होंने क्या बताया? एक रिलेशनशिप हमको बता के दिया कि कैसे लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से वो एफर्ट करते हैं. बट विक्टर व्रूम डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द एफर्ट पीपल पुट इन देयर परफॉर्मेंस एंड द फाइनल रिजल्ट. लेकिन विक्टर व्रूम हमको ये विभेद करके बता रहे हैं कि पीपल जो एफर्ट लगाते हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस होती है और जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बीच में विभेद है. हिज थियरी प्राइमरीली रिलेट्स टू मोटिवेशन विद इन ए वर्क एनवायरमेंट. एक कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति कैसे मोटिवेट रहता है, इस पर बेस्ड है. व्हेन एम्प्लॉयज कैन मेक चॉइसेस इन देयर वर्क, जिसमें कि एम्प्लॉय जो है वो चुन सकता है अपनी चॉइसेस. विक्टर व्रूम आर्ग्यूज दैट दे विल मोस्टली चूज व्हाट मोटिवेट्स देम द मोस्ट. विक्टर व्रूम ने यह तर्क दिया हमको कि व्यक्ति वही चुनता है जो उसको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है. और दिस थ्योरी सेज दैट एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन इज अफेक्टेड बाय देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर. और व्यक्ति किस तरह से चुनता है, उसके पीछे आधार क्या होता है, जो भविष्य देखता है अपना उस जॉब प्लेस पर. Vroom's expectancy theory assumes that behavior results from conscious choices among alternatives. यानी कि हमारे पास बहुत सारे alternatives होते हैं, उसमें से हम consciously कुछ चुनते हैं. कुछ क्या चुनेंगे, किस हिसाब से चुनेंगे, जिसका कि उद्देश्य होगा to maximize pleasure and minimize pain. यानी कि हम अपने लाभ को, अपनी खुशी को, अपने सुख को बढ़ा सकें और कष्ट को घटा सकें. Together with Edward Lawler and Lyman Porter, Victor Vroom suggested that the relationship between people's behavior at work and their goals was not as simple as was first imagined by other scientists. इन्होंने पाया कि जैसे कि पहले के साइंटिस्ट हमको बता गए कि व्यक्ति कैसे काम करता है, क्या गोल है, कैसे मोटिवेट रहता है, वो उतने सिंपल नहीं है जितना कि उन्होंने बताया है. इन्होंने पाया कि एक इम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जबकि मैस्लो, हर्ज़बर्ग और बाकी के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इस बारे में बात नहीं कर रहे थे. यानी कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके कौशल, उसका ज्ञान, उसका अनुभव और उसकी योग्यताएं, ये भी तो हमको बेसिस बनेंगी कहीं ना कहीं हमारे मोटिवेशन की. Vroom stresses and focuses on outcomes and not on needs. Vroom की थ्योरी जो है वो आउटकम पर फोकस कर रही है, क्या निकल के आ रहा है, क्या रिलेट, क्या प्रोडक्ट है, आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं है, आवश्यकताओं पे फोकस नहीं है, जैसे कि मैस्लो और हर्ज़बर्ग बात कर रहे थे. इसीलिए ये प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत आता है. दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ टेंडेंसी टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर मैनर इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेशन दैट द परफॉर्मेंस विल बी फॉलोड बाय अ डेफिनेट आउटकम एंड ऑन द अपील ऑफ द आउटकम टू द इंडिविजुअल. मतलब हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ये जो प्रवृत्ति है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता इस पर निर्भर करेगी कि हमको क्या मिलने वाला है, जो आउटकम मिलने वाला है वो हमारे लिए कितना अपीलिंग है. ओके, Vroom's expectancy theory is based on the assumption that an individual's behavior results from the choices made by him with respect to the alternative course of action, okay, done, which is related to the psychological events occurring simultaneously with the behavior. Yani hamara jo vyavhar hai, hum jo jaisa vyavhar kar rahe hain, to humko jo best alternative milega usko hum chun lenge. Humko ye bhi pata chal gaya ki humko kis hisab se chunna hai, ki pleasure maximize ho, pain minimize ho jaye. This means an individual selects a certain behavior over the other behaviors with an expectation of getting results the one desired. Matlab hum jo चाहते हैं उस हिसाब से हम अपना व्यवहार सुनिश्चित करते हैं. तो ये हमारा कॉन्शियस एक्शन होता है, इसलिए
ब्लूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जो जड़ें हैं वो हमको कॉग्निटिविज्म में मिलती हैं। कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट है ये, दैट इज हाउ एन इंडिविजुअल प्रोसेसेस। बार बार बात निकल के आ रही है कि इसलिए चूंकि प्रोसेसिंग पे एम्फेसिस है, आउटकम पे एम्फेसिस है, इसलिए ये प्रोसेस थ्योरी का हिस्सा है। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, द थ्योरी इज डिपेंडेंट ऑन द आइडिया दैट द मोर एन एम्प्लॉई वैल्यूज द आउटकम, द मोर मोटिवेटेड दे विल बी टू अचीव इट। ये इस बात पर निर्भर करती है आइडिया पे कि जितना ज्यादा हम आउटकम को वैल्यू देंगे उतना ज्यादा हम उसके लिए मोटिवेटेड होंगे। अगर हमारा आउटकम है कि हमारी सैलरी बढ़ जाएगी और हमारे लिए मॉनेटरी बेनिफिट इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इसका मतलब हम हाईली मोटिवेटेड होंगे। अगर हमारा हमको मतलब ही नहीं है मॉनेटरी बेनिफिट से, हम मतलब बहुत धनाढ्य परिवार के हैं या हम धन को बहुत महत्ता नहीं देते, तो हम बिल्कुल मोटिवेट नहीं होंगे कि क्या होगा करने के बाद, सैलरी बढ़ेगी ना, हमें नहीं करना है। यानी कि ये जरूरी है कि जो रिवॉर्ड तय किया गया है उसको हम वैल्यू दें। The more effort they put into succeed, the more certain they are of getting that satisfying reward. All the theories built around the concept of balance, instrumentality and expectancy. ये हायरार्की नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, सिर्फ ये तीन फैक्टर हैं, कहीं भी इनका क्रम रखिए। इसलिए इसको VIE theory के नाम से भी जानते हैं, V for balance, I for instrumentality and E for expectancy. इसमें बहुत ज्यादा कोई नई बात नहीं, नीचे वाला पैरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मैटर आपको ज्यादा इसलिए दे दिया कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल अटेम्प्ट करना हो तो आपको मैटर मिल जाए। स्पेसिफिकली रूम सेज दैट एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन इज अफेक्टेड बाय हाउ मच दे वैल्यू एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद एन एक्शन। इसमें से बैलेंस है क्या? बैलेंस ये है कि जो रिवॉर्ड हमारे लिए सुनिश्चित किया गया है उसको हम कितनी वैल्यू देते हैं, बात हो गई। Expectancy क्या है? How much they believe that by putting effort into something they will be able to generate good results. ये हमारे को विश्वास होना चाहिए कि अगर हम ज्यादा effort लगाएंगे, ज्यादा प्रयास करेंगे, hard work करेंगे तो हम वो result पा सकते हैं। मतलब result है achievable होना चाहिए। अगर हमने उनको ऐसा result दे दिया जो unachievable उनको लगेगा तो फिर वो बेकार है। And how much they believe that generating good results will result into a reward. और ये विश्वास कि अगर उन्होंने अच्छा result ला के दिया तो उनको reward मिलेगा ही मिलेगा, ये instrumentality है। It is important to note that rewards could be intrinsic or extrinsic. जो हमारा reward है, जो reinforcement है, जो इनाम है, वो extrinsic भी हो सकता है, intrinsic भी। Intrinsic मतलब sense of fulfillment, sense of achievement, acclamation, recognition, और extrinsic मतलब money हो सकता है, promotion हो सकता है, transfer हो सकता है, whatever we want. Okay. अब जानते हैं एक्सपेक्टेंसी क्या है। एक्सपेक्टेंसी कुछ नहीं है, फेथ है क्या कि अगर हमने बेटर एफर्ट दिए तो बेटर परफॉर्मेंस आएगी, यही। Expectancy is the faith that better efforts will result in better performance. How much they believe that their additional effort will help them achieve the target results of behaviors. यानी कि विश्वास कि हमने अगर additional effort डाला तो बढ़िया निकलेगा काम। और उसके लिए जरूरी क्या है? Having the right resources, having the right skills or having the necessary support. तो management को क्या करना चाहिए? Must discover what resources, training or supervision employees need. तो उसको ये देना चाहिए ताकि expectancy बरकरार रहे। फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? ये विश्वास कि अगर हमने बढ़िया काम किया तो हमको इनाम मिलेगा, वैलिड आउटकम मिलेगा, जो प्रॉमिस किया गया वो पूरा होगा। इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज द फेथ दैट इफ यू परफॉर्म वेल देन अ वैलिड आउटकम विल बी देयर। हाउ मच दे बिलीव द रिवॉर्ड्स विल एक्चुअली अपीयर शुड दे अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ बिहेवियर्स। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ वर्बली बात की जा रही हो कि आप अच्छा सा परफॉर्म करेंगे, ये टास्क अचीव करेंगे तो आपको ये दे दिया जाएगा, और फिर ना दिया जाए तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी खत्म हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए? क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम। यानी कि एकदम पक्का क्लियर होना चाहिए सबको कि ये परफॉर्म किया तो ये आउटकम मिलेगा। ट्रस्ट इन द पीपल हु विल टेक द डिसीजंस ऑन हु गेट्स व्हाट आउटकम। मतलब कि उन लोगों पर भरोसा होना चाहिए जो ये तय करेंगे कि किसको क्या मिलेगा। और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस दैट डिसाइड्स व्हाट हु गेट्स व्हाट आउटकम। और ये प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जो ये तय करेगी कि किसको क्या आउटकम मिलेगा। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट प्रोमिसेस ऑफ रिवॉर्ड्स आर फुलफिल्ड एंड दैट एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ दैट। तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो प्रोमिस उसने रिवॉर्ड के लिए किया है उसको जरूर पूरा किया जाए, और ये एम्प्लॉय को पहले से पता हो, तभी तो वो मोटिवेटेड होगा। और फिर वैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो रिवॉर्ड हमने तय किया है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है कि नहीं, हम उसको वैल्यू देते हैं कि नहीं। अगर हम उसको वैल्यू नहीं देते सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाएंगी। इट इज द इंपॉर्टेंस दैट इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम। जो एक्सपेक्टेड आउटकम है हम उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कितना है रिवॉर्ड में, हमारा इमोशनल ओरिएंटेशन उसके प्रति क्या है। तो इट इज एन एक्सपेक्टेड एंड नॉट द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन दैट एन एम्प्लॉय एक्सपेक्ट्स टू रिसीव आफ्टर अचीविंग द गोल्स। मतलब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, जो मिल रहा है उसको हम कितनी वैल्यू देते हैं। तो ये है बैलेंस। अब हाउ टू यूज दिस थिंग, देखिए थ्योरी को यूज करने से पहले हमको ये पता चल गया कि मैनेजर को क्या करना है, जो वैलेंस है जो उसको वो सिग्निफिकेंट हो एम्प्लॉय के लिए।
इम्प्लॉय के पास एक्सपेक्टेंसी हो, यानी कि उसको पता हो कि जो रिजल्ट हम बेटर परफॉर्मेंस तभी दे पाएंगे जब हम बेटर एफर्ट डालें, तो डूएबल और अचीवेबल टास्क उसको दिए जाएं, और इंस्ट्रूमेंटेलिटी यानी कि जरूर हम अपना वादा पूरा करें, ये तीनों काम होंगे तभी ये थेरी अप्लाई की जा सकती है। और एक बात खास और कि इनके हिसाब से, ब्रूम के हिसाब से, मोटिवेशन इज इक्वल टू वैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, यानी कि गुणनफल है, गुणनफल का प्रोडक्ट है। तो कोई भी एक चीज अगर जीरो होती है तो पूरा पूरा मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। अगर वैलेंस नहीं है देन एक्सपेक्टेंसी नहीं है, वैलेंस है इंस्ट्रूमेंटेलिटी है कोई दिक्कत, तब भी जीरो। इंस्ट्रूमेंटेलिटी नहीं है, एक्सपेक्टेंसी और वैलेंस है तब भी जीरो, मतलब तीनों में से कोई भी एक जीरो है या एक से ज्यादा जीरो है तो एवरीथिंग विल बी जीरो। तो हमको इंश्योर करना चाहिए कि तीनों चीजें हों। एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन के बीच में कनेक्शन बताती है, रिवॉर्ड से मोटिवेशन बढ़ता है, ये एक्सपेक्टेशन जगाती है, इट प्रमोट्स द आइडिया दैट मोर एफर्ट शुड लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। इस तरीके का आसान है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसे पढ़ लीजिए। इट फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल एक्सट्रावेगेंस, इट इज बेस्ड ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल, इट दिस थ्योरी हेल्प्स द मैनेजर्स इन लुकिंग बियॉन्ड व्हाट मैस्लो एंड हर्ट्ज़बर्ग इंप्लाइड। मैस्लो एंड हर्ट्ज़बर्ग ने जो बताया उसके आगे ये बताती है मैनेजर्स को कि कैसे आप एम्प्लॉय को अपने सेटिस्फाइड रख सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी है, ह्यूमन डिग्निटी को वैल्यू देती है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है रेशनल बींग है, यहाँ पे ये कॉन्शियसली चुनते हैं अपने ऑल्टरनेटिव्स। ओके, डिसएडवांटेजेस भी है। Holmes theory is difficult to research and apply in practice. Difficult है, it assumes man to be a rational human being, but कभी-कभी हम लोग unconsciously भी चुन लेते हैं। ये important theory तो है, but complex है। ये हमको ये बताती है कि idealistic quite a few individuals perceive a high degree of correlation between performance and rewards, लेकिन कई लोग नहीं भी रखते हैं। और application of this theory is limited. It assumes that effort and performance will result in the desired reward. कई बार ऐसा नहीं भी होता है, तो इस तरीके का है। इम्प्लीकेशंस क्या है? दी मैनेजर्स कैन कोरिलेट द प्रेफर्ड आउटकम्स टू द एम परफॉर्मेंस लेवल्स। मतलब कि मैनेजर्स के लिए इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हमको ये भरोसा दिलाना है एम्प्लॉय को कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो परफॉर्मेंस सुधरेगी। आपको ये भरोसा दिलाना है कि जो वादा आपसे किया गया है वो पूरा होगा, और आपको ये भरोसा, आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप उनको देने जा रहे हैं वो उनके लिए सिग्निफिकेंट हो। मतलब उनके लिए जो नॉन सिग्निफिकेंट चीजें हैं वो आप रिवॉर्ड के रूप में रख देंगे तो इनके एम्प्लॉयज विल बिकम डीमोटिवेटेड एंड दे डू नॉट मोटिवेट एट ऑल बाय देमसेल्व्स। ठीक है, तो यही है आपके लिए लिखने के लिए मैटर। इसमें दे दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट डिजाइन इंटरेस्टिंग डायनेमिक एंड चैलेंजिंग जॉब्स, एम्प्लॉयज मोटिवेशन लेवल शुड बी कंटिन्यूअली असेस्ड। मतलब कि ऐसा ना पता चले कि डाउन हो गया या उनका सिग्निफिकेंस चेंज हो गया समय के संग, तो बैलेंस चेंज होता रहना चाहिए। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड वन मोर थ्योरी ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, एंड दिस थ्योरी इज अ न्यू थ्योरी बिकॉज इट कम्स अंडर प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरी टू विक्टर्स Expectancy theory of motivation and also known as VIE theory of motivation. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education and join my Telegram group too. Okay.